हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप। ये बेसिक इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप है, इसे आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो सभी अफोर्डेबल हैं। वीडियो को एंड तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं सबसे पहले रोज वाटर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये रोज वाटर फेस क्लींजर है, ये स्किन को फ्रेश और क्लीन करता है। इसके बाद मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। ये लाइट मॉइस्चराइजर है, पर अगर आप चाहें तो अपने स्किन टाइप के हिसाब से अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये अच्छा मेकअप बेस बनाने में भी हेल्प करता है। इसके बाद मैं प्राइमर अप्लाई करूंगी। प्राइमर के लिए मैंने इनसाइड का प्राइमर यूज़ किया है। ये जेल बेस्ड प्राइमर है। मेकअप के पहले प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और फाउंडेशन में पैचेस नहीं दिखाई देते हैं। प्राइमर ओपन पोर्स को भी फिल करता है और मेकअप के लिए एक अच्छा स्मूथ सर्फेस देता है। प्राइमर के बाद नेक्स्ट मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। फाउंडेशन के लिए मैंने लैक्मे 9 to 5 फाउंडेशन यूज़ किया है। ये मैट फाउंडेशन है और इसकी कवरेज भी मीडियम है, पर अगर आप चाहें तो इसे एक्स्ट्रा फाउंडेशन यूज़ करके कवरेज बिल्ड कर सकते हैं। ये फाउंडेशन ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है और साथ ही साथ ये अफोर्डेबल भी है। मैं फाउंडेशन को स्किन पे अच्छे से टैप टैप करके ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। कंसीलर के लिए मैंने NY बेका कंसीलर यूज़ किया है। कंसीलर का शेड और मैंने जितने भी मेकअप प्रोडक्ट इस वीडियो में यूज़ किए हैं मैंने सभी के शेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, आप उसे चेक करना ना भूलें। मैं कंसीलर को अपने अंडर आई एरिया के साथ साथ अपनी आईलिड पर भी अप्लाई कर रही हूँ, जिससे आई शैडो को अच्छा बेस मिलेगा और आई शैडो स्मूथली ब्लेंड होगा। कंसीलर लगाने के बाद नेक्स्ट मैं लूज पाउडर यूज़ करूँगी। फाउंडेशन, कंसीलर या फिर कोई भी क्रीम वर्क जैसे कि कॉन्टोरिंग, लिक्विड ब्लशर अप्लाई करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसे लूज पाउडर की हेल्प से सेट करना, और मैंने इसके लिए मेबलिन फिट मी लूज पाउडर यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं ब्लशर अप्लाई करूँगी। ब्लशर के लिए मैंने शुगर की ब्रॉन्जर, हाईलाइटर और ब्लशर पैलेट यूज़ की है। इसे मैं अपने चीक्स और नोज पर अप्लाई करूंगी। इसके बाद मैं आईब्रोज फिल करने के लिए HR की पेंसिल यूज कर रही हूं। आईब्रोज के बाद नेक्स्ट मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूंगी। मैंने यहाँ SFR की आई शेडो पैलेट ली है और सबसे पहले मैं इसमें से ब्राउन आई शेडो कलर को ट्रांजिशन शेड की तरह यूज़ कर रही हूँ। इसे क्रीज लाइन पर अच्छे से ब्लेंड करना है और इसे ब्लेंड करने के बाद नेक्स्ट मैं ब्लैक आई शेडो यूज़ करूँगी। ब्लैक आई शेडो को मैं अपने आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड कर रही हूँ। सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं इसे अपनी दूसरी आई पर भी ब्लेंड कर लूंगी। इसके बाद मैं गोल्डन आई शैडो अपनी मिडिल लिड पर अप्लाई करूंगी। ये सेम पैलेट का गोल्डन शिमर आई शैडो है। ये आई मेकअप बहुत इजी है और गोल्डन आई लुक इंडियन वेडिंग गेस्ट आउटफिट के साथ सभी में अच्छा लगता है।
आई शैडो लगाने के बाद मैं आई लाइनर अप्लाई करूंगी। आई लाइनर के लिए मैंने मेबरीन का ही लाइनर यूज किया है। लाइनर लगाने के बाद मैंने फॉल्स आईलैशेस यूज किए हैं। अगर आप चाहें तो इसे स्किप करके आप सिर्फ मस्कारा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर यूज करूंगी। हाइलाइटर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। इसे मैं हाइलाइटिंग एरिया, नोज ब्रिज, चीक बोन, आईब्रोज के नीचे फोरहेड पर अप्लाई करूंगी। हमेशा की तरह मैं लिक्विड लिपस्टिक लगाने से पहले वेस्टिंग लगाती हूँ। इसके बाद मैं अपनी लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। इसके लिए मैंने पर्पल की HD मिनी लिपस्टिक यूज़ की है। ये बहुत प्यारा मरून शेड है और पर्पल की लिपस्टिक्स बहुत पिगमेंटेड होती हैं और फेयर टू डस्की स्किन टोन के लिए भी बहुत सारे लिपस्टिक शेड मिल जाते हैं। लिपस्टिक लगाने के बाद मैं अपने सारे मेकअप को मेकअप फिक्सर की हेल्प से लॉक कर दूंगी और इसके लिए मैंने फेसेस कनाडा का मेकअप फिक्सर स्प्रे यूज किया है। ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको ये मेकअप, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।